बुरहानपुर लालबाग की हाई स्कूल मैदान पर समाज सेवी ग्रुप की ओर से पहली बार बुरहानपुर चैंपियन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के युवा नेता हर्षित ठाकुर शामिल हुए, जिन्होंने फीता काट कर टूर्नामेंट का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। समाज सेवी ग्रुप की ओर से पहली बार लालबाग हाई स्कूल मैदान पर बुरहानपुर चैंपियन टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया। पहला मैच बदहाल पैच बहादुरपुर और लालबाग की हनुमान व्यायाम शाला के बीच हुआ, जिसमें लालबाग की हनुमान व्यायाम शाला विजय रही। दो दिवसीय टूर्नामेंट का आज से शुभारंभ हुआ। 12 और 13 नवंबर को 24 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इनमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को पारितोषिक और नगद राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21,000 रुपए का नगद इनाम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 इनाम घोषित मिलेगा, जिसको लेकर सभी टीमों के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर अनुप पहलवान, गोपाल ठाकुर, गोपाल जायसवाल, गोपाल पहलवान सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद थे।